नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम एक आपके बीच में एक बड़ी खबर आपके बीच में फिर लेकर आए हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक दिन पहले ही नरसिंहपुर जिला के जो कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी ने छुट्टी कर दी थी सभी विद्यालयों की, शासकीय विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं सभी विभागों की जो छुट्टी है। मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और हम आपको बता दें वैसा ही हुआ। मौसम ने तेज एक बार फिर करवट बदली है और मौसम विभाग द्वारा लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे नर्मदा नदी जो है, नर्मदा जो माँ कहलाती है क्षेत्र में, नर्मदा माँ में जलस्तर बढ़ गया है। चाहे हम केंदुखेड़ा वाला जो खगरा घाट हो, चाहे जमोली पुल हो, सभी नर्मदा पुल डूब गए हैं और जो सक्कर नदी है, दूधी नदी है, जितने भी नाले हैं वो उफान पर हैं। प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने दिशा निर्देश दे दिए हैं राहत के लिए। सभी एडीएम जो है, तहसीलदार हैं, सभी के लिए जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ भी कोई अगर परेशान होता है, नंबर जिला कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय से नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जहाँ भी कोई परेशान होता है तुरंत उस नंबर पे सूचित करके, तुरंत सूचित करें और फायदा लें। हम आपको बता दें, हम आपको एक बड़ी खबर फिर बीच के बीच में लेकर आए हैं। सक्कर नदी जो उफान पर है, दूधी नदी उफान पर है, चीचली का जो रेवा से रेवा जो सीधा रेवा नदी है वो भी उफान पर है, साईकड़ा की दूधी नदी है वो भी लगातार जलस्तर उनका बढ़ रहा है और माँ नर्मदा जल का स्तर तो बढ़ ही गया है। जो सक्कर पुल है, जो खगरा घाट का पुल है वो पूरी तरह डूब गया और हमारे यहाँ जो नरसिंहपुर जिला गाड़ापारा तहसील के अंतर्गत साईकड़ा दूधी जो साईकड़ा जखोली के पास नर्मदा पुल है वो भी डूब गया। अब देखना है, मौसम विभाग द्वारा पूरी जानकारी दी गई है कि लगातार अभी तो बारिश होगी लेकिन कितनी होगी यह प्रश्न पर चिन्ह बना हुआ है। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि समस्त नागरिक जो बारिश हो रही है सुरक्षा व्यवस्था से रहें। अगर कोई परेशान होता है तो जो उनके हुए जो जिला कार्यालय से जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर सूचित करके परेशानियाँ बताएं। सभी तहसीलदार, सभी जो नायब तहसीलदार हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लग गए हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, CMO, ADM सरजी जयंत देशमुख ने भी आज गाड़ावारा में निरीक्षण किया और थाना प्रभारी जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव हो, उनके दिशा निर्देश में सभी जगह थाना प्रभारी पुलिस बल भी जगह जगह मेहनत कर रहा है। बचाव कार्य जारी है। जहां बाढ़ आ चुकी है वहां पर नागरिकों को रोकथाम के लिए पुलिस रोक रही है। तो मैं आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहा था कि जिला कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आज छुट्टी तो कर दी थी सभी विद्यालयों में अवकाश कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी नरसिंहपुर जिला की सबसे बड़ी खबर यही है कि नर्मदा पुल जो नरसिंहपुर जिला में आते हैं वो डूब चुके हैं, सभी नदियां उफान पर हैं। अब देखते हैं कि उनका कैसा रुद्र रूप लगातार बढ़ता है। मैं रिपोर्टर विनोद चौकसी। बीच में नगर साईकड़ा के नागरिक हैं, क्या नाम है आपका? संजय भाई, बताएं नगर साईकड़ा में बारिश को देखते हुए कैसे हालात हैं? लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और कभी बहुत तेज भी हो रही है। इसके कारण सभी नाले, नदी उफान पर है, तालाब भी उफान पर है और इसी बीच जो बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, हवा तेज हवाएं चल रही है, इसके कारण कई बोलने के तार टूटे हैं, कई आ रहे हैं, इससे लाइट सप्लाई वो बंद हो गई। कितने कब से बंद है तो सप्लाई? बिजली सप्लाई सुबह से बंद है, रात में तो थी, सुबह लगभग 8-6 बजे से बंद है। तो अभी कई जगह तार टूटे, इस बार का चल रहा है, जैसा कि दिक्कत बहुत परेशानियाँ हैं। तो और यहाँ पर जो नगर परिषद द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर, जैसे मोबाइल पर डाला है कि जो भी परेशान है, जिसकी मतलब यहाँ पानी घुस रहा है नदी नालों का, तो सुरक्षा व्यवस्था मांग सकते हैं। सोशल मीडिया पे जारी की और कला का स्तर इतना बढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर पानी निकल सकता है, पानी निकल सकता है, भराव बने, तेजी से हो रहा है, तेजी से भराव चल रहा है, चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन अलर्ट रहे, जो गरीब हैं उनके यहाँ जो भी सुविधाएँ हैं उनकी ध्यान दें, क्योंकि गरीब लोगों की कभी कभी व्यवस्थाएँ गड़बड़ा जाती है इसी मौसम के कारण। तो उन गरीब कहना चाहूँगा, और विनोद भाई हमारे हमेशा गरीबों के लिए और
सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी अच्छाई है, इसी के लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। गाढ़ावारा नगर पालिका में सक्कर नदी भी उफान पर, पानी तेज बारिश होने के कारण चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। नागरिकों द्वारा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मांग रखी है प्रशासन से। जी हां, हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला गाढ़ावारा नगर पालिका में सक्कर नदी भी जलस्तर तेज होने के बाद नागरिकों द्वारा प्रशासन से मांग रखी गई है। बाढ़ों में पानी यहाँ वहाँ घुसने के कारण परेशानियाँ बनी हुई हैं। बारिश तेज होने के बाद जब हमने जानकारी ली तो वहाँ के नागरिकों द्वारा बताया, सक्कर नदी में तेज बारिश होने के बाद परेशानी सामने देखी जा रही है। हम सक्कर नदी पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे नदी का पानी बाढ़ की स्थिति बन रही है। उधर पे नदी पे भी बहुत, नर्मदा नदी पे ठेल लग रहा है पानी का, स्थिति बिगड़ने की संभावना है।